आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मटन। ये बनाना बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूँ रीमा, आप सबका स्वागत करती हूँ रीमा किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मटन। ये रेस्टोरेंट की नई रेसिपी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 kg मटन लिए हैं। 10 से 12 प्याज को छीलकर इस तरह से मोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। 2 पोट लहसुन, 2 हरी मिर्च, कुछ खड़ा मसाला लिए हैं जैसे धनिया, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग। तो सबसे पहले इसे हम लोग भून लेते हैं। यहाँ पर फ्राई पैन को गरम कर लिए हैं। अब इसमें खड़ा मसाला डालकर भून लेती हूँ। मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट इसे इसी तरह चलाते हुए भूनना है। एक मिनट खड़ा मसाला को भून लिए हैं। अब गैस बंद कर देते हैं और चलते हैं आगे के प्रोसेस में। यहाँ पर एक बड़ा कढ़ाई लिए हैं। अब इसमें जाएगा मटन। मटन को कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसमें जाएगा कुछ मसाले, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी ऑरिगेनो, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, लहसुन, ये सभी कुछ भुने हुए खड़ा मसाला अब इसमें जाएगा। नमक 2 चम्मच, 1 छोटी चम्मच सरसों तेल। अब सभी कुछ को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मटन में सभी मसाला को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे निकाल कर एक बर्तन में रख लेंगे और पैन को गरम कर लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई गरम हो चुका है तो अब इसमें जाएगा 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छा से गरम होने दिए हैं तो अब इसमें जाने वाला है 3 से 4 तेज पत्ता, जीरा 1 चम्मच, जीरा हल्का चटक चुका है तो अब इसमें जाएगा कटे हुए प्याज। इसी तरह चलाते हुए प्याज को 2 मिनट भूनना है। फ्लेम को मीडियम रखे हैं। अब इसमें जाने वाला है मटन। मटन को मिला लिए हैं। 3 से 4 मिनट इसे इसी तरह भूनना है। फ्लेम को मीडियम ही रखे हैं। अब इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, जीरा और काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, तीखी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच। सभी मसाला को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मसाला को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। 1 मिनट इसे इसी तरह भूनेंगे। अब इसे ढककर 4 से 5 मिनट पकाना है।
अब इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह भूनना है। हरी मिर्च को काट लिए हैं, अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी और हरी मिर्च को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। 1 मिनट इसे इसी तरह पकाना है ताकि मटन में कसूरी मेथी का फ्लेवर अच्छी तरह से आएगा। मटन अच्छी तरह से भुना चुका है, अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी। पानी डालकर मटन को अच्छी तरह से मिला लिए हैं, अब इसे ढककर 30 मिनट पकाना है या फिर तब तक पकाना है जब तक मटन अच्छी तरह से गल न जाए। मटन अच्छी तरह से पक चुका है, आप देख सकते हैं। अब गैस बंद करके इसे सर्व कर लेती हूँ। ये मटन पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी के निशान को दबाएँ ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार। We'll be right back.